जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में और आई होप अपनारा सबाई भालो आछेन एवं आमियो भालो आछि। दोस्तों आज इस वीडियो को माध्यम से मैं आप लोगों का साथ शेयर करूंगा रिएक्टिव कपड़े में कुछ सैंपल मैंने तैयार किया, रेडी किया, 5-7 सैंपल होएगा। आप एक मेकर है या आप जींस पैंट का मैन्युफैक्चर कराता है तो ये शायद आपको काम आ सकता है, या आप एक यूट्यूबर है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, या इस वीडियो को पूरा कॉपी करके आप अपना चैनल पे डालना चाहता है तो उसके लिए पूरा कर सकता है। तो दोस्तों ये जो कपड़ा है ये कोई कोई कॉटन बोल के बेचता है, कोई रिएक्टिव बोल के बेचता है, कोई सल्फर बोल के बेचता है, लेकिन ओरिजिनली जिसका ऊपर स्प्रे होता है वो है सल्फर, और ओरिजिनली जिसका ऊपर स्प्रे नहीं होता है उसका नाम है रिएक्टिव, यानी कोई चीज इसके ऊपर एक्टिव नहीं होता है, यानी कि कंपनी से जो कलर आता है एकदम फिक्स कलर है, वही पक्का कलर है। हम लोग मैन्युफैक्चर करने का बाद इसको ऑनली धुलाई करके, साफ सफाई करके, धागा वागा काट के इसको पैक करके सेल पे भेज देता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जो मेरा चैनल पे पहला बार आया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू सो मच। है गाइस, वेलकम बैक टू द एफएम फैशन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर फारूक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएम फैशन ईटीसी नॉलेज, यानी कि इत्यादि ज्ञान। दोस्तों जींस के बारे में छोटा छोटा नॉलेज मैं आपका साथ इस चैनल का माध्यम से शेयर करते रहता हूँ। आपको जींस के बारे में ऐसा छोटा छोटा नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग कर लीजिए, क्योंकि जैसा ही मैं नया नया वीडियो अपलोड करे और सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपका डिवाइस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है ओरिजिनल रिएक्टिव कपड़ा, यानी कि ये जो रिएक्टिव कपड़ा है ये कोई स्प्रे नहीं होता है, कोई टैकिंग नहीं होता है, कोई भी मतलब इसका कलर क्रिएशन नहीं होता है। ये जो कंपनी से जो कलर फिक्स होके आता है वही कलर फिक्स हो जाता है, यानी कि वही कलर ही फिक्स रहता है, इसमें दूसरा कोई कलर नहीं किया जाता है। ये हम लोग मैन्युफैक्चर करने का बाद इसको वॉशिंग करके, यानी कि धुलाई करके, प्रेस पैकिंग करके, पन्नी पैक करके फिर हम सेल में भेज देता है। तो ये ज़्यादातर 8-10 कलर में आता है। सो गाइस, आपको ये कपड़ा दिखने में कड़क लगेगा क्योंकि ये अभी कड़क है ही है, इसको धुलाई होएगा, टम्बलर होएगा तो एकदम ये मक्खन का जैसा मुलायम हो जाएगा। इसके ऊपर हाथ लगाएगा तो ऐसा लगेगा ये एकदम पूरा, यानी कि फैब्रिक बहुत महंगा फैब्रिक है ऐसा दिखेगा, इसको टम्बलर ऐसा किया जाएगा। दोस्तों फैब्रिक के बारे में मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँगा, और ये रिएक्टिव कपड़ा आपको मैं बता ही दिया है, इसमें स्प्रे टैकिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, ये खाली धुलाई होएगा, टम्बलर होएगा, प्रेस पैकिंग होकर पैक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका बैक पॉकेट का जो डिज़ाइन है मैं खुद डिज़ाइन किया है, और इसका आगे भी फ्रंट में भी एक प्रिंट का डिज़ाइन है, और इसका उल्टा बाजू में जो कलर है वही हाला पे, यानी कि आगे राउंड पॉकेट में और क्रॉस पॉकेट में पाइपिंग बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसका उल्टा बाजू में जो कलर है वही आपका फ्रंट में पॉकेट के में एक पाइपिंग लगा हुआ है। तो सिंपल सुअर पैटर्न है, और इसका साइज़ है 22-30 साइज़, स्मॉल साइज़ है। इसमें एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है ब्लू कलर का, दोनों साइड एम्ब्रॉयडरी है और दो कट किया हुआ है, यानी कि पॉकेट का 3 टुकड़ा है उसको जॉइन मार के इसका डिज़ाइन बनाया गया है, और फ्रंट में क्रॉस पॉकेट है और दो पाइपिंग लगा हुआ है पल्टी कपड़े का, और ये प्रिंट आप देख सकता है। सभी पीस में आपको एडजस्टेबल इलास्टिक मिलेगा, छोटा बच्चे का कमर अगर छोटा बड़ा हो गया पैंट तो कमर इलास्टिक को खींच के बटन को काज किया हुआ है, इलास्टिक का ऊपर काज किया हुआ है उसको छोटा बड़ा कर सकता है। ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है नेवी ब्लू कलर का, ये भी एक बढ़िया डिजाइन है। तो दोस्तों ये जो पैंट है आप होलसेल में लेना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस मेंशन करूंगा और मोबाइल नंबर। दोस्तों पिछला एक वीडियो बनाया है स्टिकर टैटू एसेसरी के बारे में, आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट में वही सेम दुकान से एसेसरी लेके मैंने ये डिज़ाइन बनाया। ये है ग्रे कलर, इसमें एम्ब्रॉयडरी है और बैक पॉकेट का बीचों बीच एक कट है, ये भी मस्त दिख रहा है। डिज़ाइन एकदम सिंपल है, सिंपल सोवर डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा दिखेगा, वॉशिंग के बाद प्रेस पैकिंग होकर आपका डिस्प्ले पे लग जाएगा तो आराम से महंगा बिकेगा, क्योंकि इसका फैब्रिक भी बहुत हाई क्वालिटी का फैब्रिक है, ये वॉशिंग के बाद ज़बरदस्त बैठेगा। और ये एम्ब्रॉयडरी है, एम्बोज है, एम्बोज टाइप का एम्ब्रॉयडरी है, और पूरा सब पीस में आपको YKK का चेन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फैब्रिक अच्छा है और इसका बटन वगैरह सब ब्रांडिंग रहेगा,
रिवेट बटन सब में इसका ब्रांडिंग रहेगा। ये ब्लैक कलर का है, ये व्हाइट कलर का प्रिंट है और रेड कलर का प्रिंट है। इसका देख सकता है, मस्त लुक देख रहा है। सब में 6 लुपी और साइड में ठोका मिलेगा आपको, और साइड में दो सिलाई रहेगा, जैसा कि मैं पिछला वीडियो में बताया आपको। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये भी वही टैटू है, स्टिकर है, एक सिलिकॉन का है, एक लेदर का है, इसी को मैं डिज़ाइन बनाया। ये भी उल्टा बाजू इसका ग्रीन है, मस्त दिख रहा है ये पैटर्न। तो दोस्तों मैं 6 पैटर्न बनाया और ये आपका साथ शेयर। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में वीडियो बनाने में उत्साह बहुत बढ़ता है। और ज़्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिए। और ऐसा ही आपको जींस पैंट के बारे में छोटा छोटा नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग कर लीजिए। सबसे लास्ट सभी फ्रेंड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आजू बाजू साफ सुथरा रखे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना और अपनियों को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।